चंडीगढ़ में हुई लूट की वारदात की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि सेक्टर 61 स्थित चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बीते सोमवार हुई लूट के मामले की चंडीगढ़ एसएसपी ने आधिकारिक तौर पर मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी कुलदीप चहल ने बताया कि आरोपित का नाम हरजोत है। आरोपित मोहाली का रहने वाला है। बदमाश हरजोत ने टॉय पिस्टल दिखाकर चंडीगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में बीते सोमवार सुबह 8,65,452 रुपए की लूट की। बताया जा रहा है कि हरजोत पेशे से फार्मासिस्ट था, लेकिन लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई थी, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपित ने लूटी गई कुल राशि में से 17,000 रुपए खर्च कर लिए थे, बाकी रकम को पुलिस ने रिकवर कर लिया है। 88 फरवरी को जिसमें कोऑपरेटिव बैंक से पिस्टल की नोक पे रोबरी हुई थी, उसमें हमारी जो टीम है एएसपी साउथ एसएचओ 36 इंचार्ज टीपी 61, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है और बड़ा ट्रेडिशनल तरीके से जो पुलिस की गलती करते हुए उससे हमने इसको ब्रेक थ्रू किया और जो केस था उसको क्रैक किया, जिसमें टोटल रिकवरी ये लूट हुई थी 8,65,000 थे और रिकवरी ऑलमोस्ट हमारी सारी हो गई, जिसमें 8,48 जिसमें तकरीबन 17,000 जो इसने इधर उधर खर्च किए, बाकी सारी रिकवरी होगी। उसके अलावा इसमें जो कार यूज हुई है क्राइम में PB65G 2137 ये स्विफ्ट कार है, ये भी रिकवर हो गया। उसके अलावा जो टॉय पिस्टल था जो क्राइम में यूज हुआ था वो भी इसमें हमने रिकवर कर लिया। तो अभी इसका पुलिस इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसका पुलिस रिमांड हम लेंगे। आगे जो भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में जो भी सामने आएगा तो लेटर ऑन हम आपको पुलिस करेंगे। सर कुछ सामने आया ये बी फार्मेसी का डिग्री है और ये रिटेल इसमें सेल एंड परचेज का ये काम करता है। एज पर अभी तक क्योंकि हमने बहुत इसको डिटेल में इंटरोगेशन नहीं किया था, फौरी तौर पर तो हमें पता लगा कि ये लॉकडाउन में इसकी जरूरत चलेगी, कि उसके बाद ये फार्मेसी काफ़ी टूट गया था। और इसके अलावा ये जैसे कोरेक्स वगैरह ड्रग्स वगैरह का भी एडिक्शन करता है, तो उसके कारण भी इस पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसके कारण इसने ये स्ट्राइक की है। बाकी इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है अभी तक फिलहाल हमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला नहीं है, लेकिन विदाउट इंटरोगेशन ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ये अकेला ही था सर कि कोई और भी था इसके साथ? ये अकेला ही और अकेला ही है उसमें सर। चौकी के साथ में जो कहीं और भी जा सकता था वही है इसमें, तो मैं यही बताएगा ना चौकी के साथ क्या इधर हम क्या बता सकते हैं। इंटरोगेशन लेने रखी थी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था कि इसको पता था कि रिकी की हुई थी इसी वजह से। ये इस एरिया का बड़ा वेल नोन था क्योंकि ये रहने वाला फेस थ्री का और वहाँ से हार्डली 100 मीटर की दूरी पर है, तो ये जो एरिया प्रॉपर उसकी रैकी की हुई थी और इसको पता था कि वहाँ पे कितने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इसने ये सामने से नहीं आया, आपने देखा होगा कि बैक साइड में इसने गाड़ी खड़ी की है, वहाँ से जो पैदल रास्ता है वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ से आया, इसको पता था कि यहाँ पे हो सकता है कोई लोगों की नज़र में मिला, सामने से आता तो हो सकता है उसको पकड़ने की। सर इसने बताया कैसे कैसे किया, इसने कैसे आया, कितने दिन चला, कहाँ कहाँ आया, ये सारा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सारा इंटरोगेशन रिपोर्ट में आ जाएगा। नहीं गाड़ी इसी की है फिलहाल, तो इसी की है, बाकी हम डिटेल में हमने नंबर वगैरह भी चेक करवाए, बाकी जो इसका 2 दिन का हम अभी रिमांड कितने दिन का रखा है 2 दिन, नहीं इसको 5 दिन का है, अभी हम इसका पुलिस रिमांड लिख रहे हैं, जितना पुलिस रिमांड मिलेगा देन अकॉर्डिंगली। सर ये कहाँ से अरेस्ट किया सर, ये कहाँ पैसे लेके छुपा हुआ था कहीं, कहाँ से? नहीं इसका घर मोहाली में मोहाली में घर से, हाँ वहीं से हमने रिकवरी टोटल रिकवरी का सिर्फ 17,000 कम है इसमें जो हम पता कर रहे हैं इसने कहाँ खर्च किया है, बाकी ऑलमोस्ट सारी रिकवरी हो गई है। नहीं इसमें बेसिकली तो इसमें तो हम ये नहीं कहेंगे चौकी के पास ऐसे, लेकिन हाँ इंडिविजुअल बंदा आया डेस्परेटेड बंदे वो तो कहीं पे भी इंसिडेंट वारदात कर सकते, इसमें ऐसा क्या होता है। आरोपी की पहचान सीसीटीवी कैमरे से हमने इसमें हमने हमारी जो टीम ने ना बड़ा वेरियस इनपुट डेवलप करी है और उन वेरियस इनपुट को हमने डेवलप करके फिर इसकी आइडेंटिफिकेशन। सर
सर पहले जो मोहाली के तीन फेज में भी एक लूट हुई थी गनपॉइंट पे जब उसके साथ भी कोई संबंध देखा जा रहा है कि निकलता पुलिस कोई एक थ्योरी पे काम नहीं करती, हम मल्टीपल थ्योरी पे काम करते हैं और जो भी जहाँ पे भी हमें लगता है कि लीड मिल सकती है हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। कह सकते हैं सर कि भाई इंटरस्टेट गैंग का डेफिनेटली हो सकते हैं और हमारी जो इंटरस्टेट क्राइम मीटिंग होती है उसका हमें बेनिफिट हमेशा मिलता है कि हमारी जो क्रिमिनल्स की या क्राइम के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, मतलब उसका नेचुरली क्राइम क्रैक में हमें मतलब जो भी है उसमें फायदा रहता है। सर ये जो आप बता रहे हैं जॉब करता था लॉकडाउन के दौरान, जॉब कौन से थी, उसको कोई लोन ले रखा था? फार्मेसी की वो करता था, अभी बाकी तो डिटेल में क्योंकि हमने लेट मॉर्निंग इनको रेस्ट की है, बाकी हम इंटरोगेशन करेंगे डिटेल में उसके बारे में। उसके बाद सर कितने टाइम से रेकी कर रहा था, क्योंकि एयर जो है वो भी ली उसके बाद इन्वेस्टिगेशन लिया। और सर दूसरी चीज़ इसको आइडिया कहाँ से आया था, कहीं इसको पहले भी जो लूट हुई थी उसमें देख के? अपनी मूवी देखी आइडिया कहाँ से आते हैं, ये तो आइडिया दिमाग से ही आते हैं। सर थोड़ा फोन पीछे करना। नहीं डेफिनेटली वहाँ से हार्डली जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वारदात हुई है, आई थिंक हार्डली 5 or 6 मिनट में वारदात हुई, तो आप इसे इमेजिन कर सकते हो कि इसमें रिएक्ट टाइम कितना है। 5 to 6 मिनट में कोई बंदा आया और वारदात करके चला गया एंड बैंक में सीसीटीवी कैमरे वो भी नहीं चल रहे हैं, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, और भी बहुत से लैप्स होते हैं। सर इस चीज़ के पहले भी देखा गया है ATMs में भी हुई है वारदातें, उनके भी गार्ड नहीं होते। अब ये बैंक काफी एग्जांपल है, बेसिकली तो ये टेंडर मतलब होते हैं, इनके टेंडर करते हैं और इसमें इनका सारा इंश्योर्ड होता है, इस करके शायद ये मतलब वो नहीं रखते, लेकिन हम टाइम टू टाइम अपनी जो इनको दिशा भेजते रहते हैं, हमेशा ही जाते रहते हैं, हमेशा जाते हैं। यहाँ पे जो लापरवाही हुई है और आपके पास पड़ोसी कोई क्राइम होता तो पड़ोसी को बहुत बार नहीं पता होता ऐसा कोई, क्योंकि किसी को सपने नहीं आते। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.